खनिज संसाधन भारत में खनिज संसाधन के अंतर्गत धातु खनिज, अधातु खनिज, पेट्रोलियम संसाधन, कोयला संसाधन, इसके बाद प्राकृतिक गैस संसाधन बचा हुआ था, इसे समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद भारत में खनिज संसाधन समाप्त हो जाएगा, है ना। भारत में खनिज संसाधन का अंतिम भाग है प्राकृतिक गैस। इसके बाद हम भारत में ऊर्जा विकास में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। उसे हम दो भागों में भी बांटते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा, है ना। बाद में बताएंगे ये दोनों क्या है। फिलहाल भारत में खनिज संसाधन का अंतिम भाग आज समाप्त कर लेते हैं, तो एक बड़ा काम पूरा हो जाएगा, है ना। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से स्वतंत्र नहीं होता है। जहां पेट्रोलियम पाया जाएगा वहीं पर चट्टान के कोटरों में, धरती के नीचे चट्टान के कोटरों में पेट्रोलियम के ऊपर प्राकृतिक गैस तैरता हुआ रहता है। ओके, तो पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर तैरती रहती है नेचुरल गैस। बहुत से लोग सोचते हैं कि एलपीजी और नेचुरल गैस एक ही होता होगा। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर पाया जाता है, जबकि एलपीजी सीधे धरती के नीचे से नहीं प्राप्त किया जाता है, चट्टानों में नहीं होती एलपीजी। एलपीजी जो रिफाइनरियां होती है ना, एलपीजी कौन सा, जो घरों में हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाम में ही पेट्रोलियम लगा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जहां रिफाइनरियां होती हैं, जहां हम पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, है ना, कचरा साफ करते हैं पेट्रोलियम का, वहां पे गैस रिसती रहती है लगातार पेट्रोलियम से। उसको हम डिब्बे में बंद करके लिक्विफाइड कर लेते हैं, यानी तरल पदार्थ में बदल लेते हैं। गैस को तरल पदार्थ में कैसे बदला जाता है, उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस किया जाता है। कोई भी गैस को जब आप कॉम्प्रेस करेंगे, ऑक्सीजन को भी आप कॉम्प्रेस करेंगे, दबाव देंगे उस पर, तो वो लिक्विफाइड हो जाता है, द्रव के रूप में हो जाता है। तो पेट्रोलियम शोधन के दौरान एक गैस रिसती रहती है रिफाइनरियों से, उस गैस को हमने कॉम्प्रेस करके लिक्विड में बदल देते हैं, तो उसको नाम देते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात एलपीजी। जबकि नेचुरल गैस सीधे पेट्रोलियम के साथ धरती के नीचे पाई जाती है। तो नेचुरल गैस एलपीजी से अलग है, एलपीजी शोधनशालाओं से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है, बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है शोधनशालाओं से एलपीजी, है ना। नेचुरल गैस में मुख्य जो ज्वलनशील तत्व होता है, प्राकृतिक गैस में मुख्य ज्वलनशील तत्व जो होता है वो है मेथेन, है ना, जो गोबर गैस होता है ना। टंकियां ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़ी टंकियां बनाकर उसमें गोबर को डालकर सड़ाते हैं, तो गोबर से जो गैस रिसती है उसको हम क्या कहते हैं, मेथेन। यानी गोबर गैस का भी मुख्य तत्व तो मेथेन होता है, नेचुरल गैस का भी मुख्य तत्व तो मेथेन होता है ना। अक्सर इस सवाल पूछा जाता है कि जो मवेशी होते हैं, पशु जिनको लोग पालते हैं, वो जुगाली करते समय कौन सा गैस बाहर निकालते हैं अपने मुंह से, जुगाली करते समय, मेथेन। क्योंकि जो पौधे होते हैं ना, पौधों के सड़ने से मेथेन गैस का रिसाव होता है। तो गोबर एक तरह का क्या है, पौधे का ही विकृत रूप है, तो उसमें से मेथेन गैस निकलता है। इसी तरह ये सवाल अक्सर पूछता है कि धान के खेतों में बहुत ज्यादा दलदल क्षेत्र होता है, क्योंकि धान के खेत हमेशा पानी से लबालब भरे होने चाहिए, है ना। तो धान के खेतों से किस गैस का रिसाव होता है, मेथेन गैस का रिसाव होता है, ठीक है। एक सवाल ऐसे पूछता है कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांधों से किस गैस का रिसाव होता है, मेथेन गैस का रिसाव होता है। जहां भी पौधे सड़ेंगे या दलदली क्षेत्र होगा वहां पर मेथेन गैस का रिसाव होगा, ठीक है। यानी नेचुरल गैस की में तो मेथेन है ही, और कहां कहां से मेथेन का रिसाव होता है इसे लिख लीजिए। धान खेतों से मेथेन गैस का रिसाव होता है, बाढ़ क्षेत्रों से या बांधों से मेथेन गैस का रिसाव होता है, पशुओं के जुगाली करने से मेथेन गैस का रिसाव होता है, जो कोयले की खाने हैं, कोयले की खानों में भी कभी कभी जो श्रमिक होते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि धरती के नीचे बड़े बड़े कोटर बने होते हैं, उसमें अपना फावड़ा चलाते रहते हैं और चट्टान तोड़ते रहते हैं, तो जो कोयले की चट्टाने हैं उसमें कहीं कहीं मेथेन गैस फंसी रहती है बीच बीच में। अचानक क्या हुआ कि चलाया भाई, गलियारे होते हैं, है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह गलियारा बनाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी यहाँ पे श्रमिक खड़ा है ना,
श्रमिक तोड़ता हुआ इस गलियारे को आगे तक और बढ़ा देता है ना, यानी चट्टान को खोदता हुआ चला जाता है श्रमिक। तो अब क्या है कि यहाँ पे मेथेन गैस फंसी हुई है, तो यानी श्रमिक जैसे ही चट्टान को तोड़ते हुए यहां तक पहुंचेगा है ना, तो मेथेन गैस के संपर्क में आ जाएगा जो श्रमिक है जो फावड़ा चला रहा है। अचानक से जो सुरंग बनी है धरती के नीचे उसमें कोयले की सुरंग, उसमें मेथेन गैस भर जाएगा और फावड़ा चलाने से चिंगारी निकलती है, क्योंकि कोयला एक चट्टान है, फावड़ा चलाने से बहुत तेज चिंगारी निकलती है। फावड़ा लोहे का है और कोयला एक पत्थर है, चट्टान है। तो जैसे ही मेथेन गैस के संपर्क में आया है ना, चिंगारी निकलते ही पूरी कोयले की खान में आग लग जाती है और जितने भी मजदूर या श्रमिक उसमें काम कर रहे होते हैं तुरंत समाप्त हो जाते हैं। आग बड़ी भीषण होती है। तो आप समझ गए कि कहां कहां मेथेन गैस का पाया जाता है या उसका रिसाव होता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। लेकिन नेचुरल गैस का मुख्य तत्व मेथेन होता है, जबकि एलपीजी का मुख्य तत्व ब्यूटेन होता है, यानी वो गैस जो पेट्रोलियम रिफाइनरियों से उप उत्पाद के रूप में, जब पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है उसका शोधन किया जाता है, तो उप उत्पाद के रूप में जो गैस प्राप्त होती है उसे एलपीजी कहते हैं। और एलपीजी का मुख्य तत्व मेथेन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, ब्यूटेन होता है एलपीजी का मुख्य तत्व। इसके अलावा एलपीजी में प्रोपेन नामक एक अन्य तत्व भी पाया जाता है ना। प्रोपेन घरेलू प्रयोग में लाई जाने वाली जो एलपीजी होती है, एलपीजी अन्य जगहों पर भी प्रयोग की जाती है लेकिन सबसे ज्यादा घरेलू प्रयोग में आती है, किचन में एलपीजी है ना। तो जो घरेलू प्रयोग में जो एलपीजी प्रयोग में लाई जाती है उसका वजन कितना होता है, 14.2 किलोग्राम। एक बात का ध्यान रखिएगा, उस पर जो 14.2 किलोग्राम लिखा रहता है वो सिलेंडर का वजन नहीं है। और एग्जाम में भी जब पूछा जाता है कि घरेलू एलपीजी का वजन कितना होता है तो उसमें सिलेंडर का वजन नहीं पूछता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि घर में किचन में प्रयोग में लाई जाने वाली एलपीजी का वजन क्या होता है, तो 14.2 किलोग्राम लिखा रहता है सिलेंडर पे। आप देखेंगे आपके भी सिलेंडर पे लिखा होगा, तो 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का वजन नहीं है, वो सिर्फ गैस का वजन होता है। ओके, प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है। ही शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि पेट्रोलियम का खोज और उत्पादन भी यही दोनों करते हैं। ध्यान रहे, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम खोजा जाता है इन्हीं दो एजेंसियों द्वारा, ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्यों, क्योंकि जहां पेट्रोलियम वहीं पर प्राकृतिक गैस है ना, तो खोजा जाता है ONGC द्वारा और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा है। लेकिन पेट्रोलियम का शोधन किसके द्वारा किया जाता है, सबसे बड़ी रिफाइनरी वाली कंपनी कौन सी है, सरकार की, ऑयल इंडिया नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हमने बताया था ना सार्वजनिक क्षेत्र में 18 रिफाइनरियां हैं जिसमें से 9 या 10 रिफाइनरी किसकी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, IOC की है। यानी पेट्रोलियम खोजा जाता है, फिर से हम शुरू से बताते रहे हैं। भारत में पेट्रोलियम की खोज करने, दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, खोज और उत्पादन, भारत में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन करने के लिए 1956 में ONGC की स्थापना हुई थी और इसी उद्देश्य से 1959 में यानी 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। किस काम के लिए, खोज और उत्पादन के लिए। लेकिन पेट्रोलियम का शोधन और वितरण, शोधन मतलब रिफाइनरी में जहां शुद्ध किया जाता है, वितरण मतलब पेट्रोल पंप जहां से कि पेट्रोल को वितरण किया जाता है, गाड़ियों में बांटा जाता है ना। तो पेट्रोलियम का खोज और उत्पादन इनके द्वारा, जबकि शोधन और वितरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन HPCL BPCL द्वारा किया जाता है ना। इसके अलावा गुजरात में एक SRL लिमिटेड है, रिलायंस भी उतर चुकी है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी भी कुछ रिफाइनरियां हैं। जबकि अब दूसरा फैक्ट बता रहे हैं कि भारत में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन भी ONGC और इंडियन ऑयल लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है, सॉरी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक गैस का शोधन और वितरण गेल द्वारा किया जाता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राकृतिक गैस का शोधन और वितरण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी, ONGC 1956, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा भंडार और सबसे बड़ा उत्पादन, सॉरी सबसे बड़ा भंडार और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वही मुंबई हाई में, जो कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ साथ पाया जाएगा। तो जहां पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है, आमतौर पर माना जाता है कि वहीं पे प्राकृतिक गैस भी ज्यादा पाई जाएगी, है ना। तो भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के पास अरब सागर में जो मुंबई हाई नामक अपतटीय क्षेत्र है, वहीं पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भी उत्पादन किया जाता है, वहीं पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन वहीं होता है, मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र। भारत में नेचुरल गैस का सर्वाधिक खपत बिजली बनाने में होता है। हमारे देश में जो भी प्राकृतिक गैस उत्पादन किया जाता है उसका सबसे ज्यादा खपत विद्युत क्षेत्र में होता है। इसके बाद उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर्स प्लांट होते हैं ना, जहां खाद बनाया जाता है, तो बिजली के बाद सबसे ज्यादा उपभोग उर्वरक संयंत्रों में होता है, यानी फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में होता है। याद रखिएगा, इस दोनों सवाल पूछे गए हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा खपत करने वाला क्षेत्र कौन सा है। चार ऑप्शन दे देंगे, आपको चुनना होगा विद्युत क्षेत्र में सबसे ज्यादा, यानी प्राकृतिक गैस से बिजली भी बनाई जाती है। कैसे? बिजली तो बनती है उसी में, टरबाइन में, है ना। उसे घुमाने के लिए चाहे कोयला जलाइए, चाहे पेट्रोल जलाइए, चाहे प्राकृतिक गैस जलाइए। तो हमारे देश में वर्तमान में इस साल की हालत यह है कि 80% से भी ज्यादा बिजली कोयला जलाकर प्राप्त की जा रही है। फिलहाल 67% वाला आंकड़ा पीछे छूट गया है, नए आंकड़े आ गए हैं। तो 80% से भी ज्यादा बिजली हमारे देश में कोयला जलाकर प्राप्त की जाती है। थोड़ी बहुत बिजली प्राकृतिक गैस जलाकर भी प्राप्त की जाती है, उसकी मात्रा बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस आधारित 2 पावर प्लांट हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस आधारित 2 पावर प्लांट हैं। एक नोएडा के ददरी में है, ददरी गौतम बुद्ध नगर, और दूसरा औरैया। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, चाहे संसाधन हो चाहे ऊर्जा, एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, ठीक है। दादरी और औरैया उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे स्थल है जहां पर प्राकृतिक गैस से बिजली बनाई जाती है, दादरी और औरैया। नेक्स्ट, देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार अनुमान किया गया है, अभी उत्पादन नहीं शुरू हुआ है। अनुमान किया गया है कि देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन मतलब कृष्णा गोदावरी नदी का जो पूर्वी तट पर मुहाना है ना, बंगाल की खाड़ी में। जैसे ही मुहाने के पास बंगाल की खाड़ी में उतरेंगे आप, तो उसे हम कहते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक, एक ब्लॉक मिला है प्राकृतिक गैस का, उसको हम ब्लॉक नाम देते हैं, तो उसका नाम रखा गया है D6 ब्लॉक। सवाल इस 2-3 तरह से पूछा गया है, पूछा भी जाएगा, आगे भी पूछा जा चुका है ये सब, कि कृष्णा गोदावरी बेसिन किस खनिज के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक गैस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, D6 ब्लॉक किस लिए विश्वविख्यात है या किस लिए जाना जाता है? आप कहेंगे प्राकृतिक गैस के लिए, D6 ब्लॉक में कोयला नहीं मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है, किस लिए जाना जाता है? प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है D6 ब्लॉक, ओके। तो देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में अनुमानित है। उस तट को हम कहते हैं यनम का कीड़ा नाड़ा तट, बंगाल की खाड़ी में जो तट है कृष्णा गोदावरी का, उसे हम कहते हैं यनम का कीड़ा तट। कृष्णा गोदावरी बेसिन को आमतौर पर खबरों में, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में KG बेसिन कहा जाता है, KG बेसिन के अंतर्गत D6 ब्लॉक। नेक्स्ट, क्लैथरेट समुद्र के नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में जाने पर ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र के नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में जाने पर बर्फ, भाई ध्रुवों के पास बर्फ बहुत ज्यादा है, तो 2 किलोमीटर की गहराई में जाने पर बर्फ में मीथेन गैस फंसी रहती है। 2 किलोमीटर की गहराई में जाने पर बर्फ के बीचों बीच मीथेन गैस फंसी रहती है, उस मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं? क्लैथरेट कहते हैं। समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई में बर्फ के बीच फंसे मीथेन गैस को क्लैथरेट कहते हैं, ठीक है। इसके दोहन के लिए इसे हम क्लैथरेट या गैस हाइड्रेट भी कहते हैं, क्या? गैस हाइड्रेट, क्लैथरेट या गैस हाइड्रेट कहते हैं, जो मीथेन गैस फंसी रहती है बर्फ के बीचों बीच। तो उसके दोहन के लिए चेन्नई में एक गैस हाइड्रेट सेंटर की स्थापना की जा रही है, ओके, चेन्नई में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और
राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान पढ़ने में एक जैसे हैं और बार बार पूछे गए हैं, कंफ्यूज मत होइए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, लेकिन राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान शिव सागर में है। कभी कभी पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अधूरे शब्द दे दिए जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा पेट्रोलियम तकनीक संस्थान कहाँ है, राजीव गांधी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा। प्रश्न बनाने वाले कैसे भी बना देते हैं, आपकी आईक्यू पकड़ ली जाती है। तो पेट्रोलियम तकनीक संस्थान कहाँ है, शिव सागर असम में है, जबकि पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में देखिए, जब प्राकृतिक गैस कहीं पे पाई जाती है धरती के नीचे, तो प्रयास किया जाता है कि प्राकृतिक गैस हो चाहे पेट्रोलियम, या तो हम उसे बड़े बड़े टैंकों में भरकर मालगाड़ी के माध्यम से रिफाइनरियों तक भेजें। दो रास्ते हैं कि अगर मुंबई हाई में पेट्रोलियम मिला या प्राकृतिक गैस मिला, तो तरीका क्या है, बड़े बड़े टैंकों में भरकर मालगाड़ी के माध्यम से हम रिफाइनरियों में भेज देते हैं शुद्ध होने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, क्यों ना जहां पे प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं से पाइपलाइन बिछा दी जाए, खूब बड़ी सी पाइपलाइन, चौड़ी सी पाइपलाइन के द्वारा रिफाइनरियों तक भेज दिया जाए शुद्ध होने के लिए। क्या ख्याल है, बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका यही कि पाइपलाइन के माध्यम से मुंबई हाई तेल क्षेत्र से कोयली रिफाइनरी तक, है ना, कोयली रिफाइनरी गुजरात में है। तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है या प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, वहां पे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात की कोयली रिफाइनरी में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाए, अच्छा तरीका है ना। वर्तमान में केवल 40% पेट्रोलियम का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है हमारे देश में, कितना, 40%, बाकी 60% दूसरे माध्यमों से रिफाइनरी भेजा जाता है। तो 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन कहां से कहां तक होता है, तेल भंडार से रिफाइनरी तक। ओके, देश की पहली पाइपलाइन कौन सी है, नहरकटिया नूनामाटी बरौनी, ये लाइन है नहरकटिया से होते हुए नूनामाटी, उससे होते हुए बरौनी तक, यानी नहरकटिया तेल क्षेत्र है और बरौनी क्या है, रिफाइनरी है। तो नहरकटिया तेल क्षेत्र यहां पे है, असम में है ना, नहरकटिया NAH, उसके बबाद नूनामाटी NU, यानी नहरकटिया और नूनामाटी बरौनी असम में है, बरौनी कहां पे है, बिहार में है, बरौनी रिफाइनरी बिहार में है। तो नहरकटिया तेल क्षेत्र, नहरकटिया नूनामाटी बरौनी, देश की पहली पाइपलाइन नहरकटिया नूनामाटी बरौनी पाइपलाइन है, यानी नहरकटिया में तेल उत्पादन होता है, पाइपलाइन के द्वारा भेज दिया जाता है कहां पे, बिहार के बरौनी में। ओके, नेक्स्ट, गैस पाइपलाइन भी होती है पेट्रोलियम के अलावा, तो ये दो सवाल बाबा पूछे जाते हैं, इसलिए इतना ही पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दुनिया भर की बात करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये तो हो गया पेट्रोलियम पाइपलाइन, दूसरा है गैस पाइपलाइन की बात करते हैं। हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर, इसको हम संक्षेप में एच हाजिरा, वी विजयपुर, जे जगदीशपुर, एच वी जे, प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाएगा, एच वी जे पाइपलाइन है ना। तो हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जो पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का परिवहन उत्तर प्रदेश तक करती है। पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र, पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र, भारत ऐसे है ना। तो पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र कहां पे है, मुंबई के पास, मुंबई हाई वाला तेल क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, तो मुंबई हाई से या खंबा की खाड़ी से जो प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है, उसको सूरत के आसपास एक हाजिरा नामक स्थल है, आप देखेंगे मैप में तो आपको दिखेगा, आप गुजरात, गुजरात वाला एरिया जहां पे बड़े बड़े राज्य दिखाए गए हैं और राज्य को टुकड़े टुकड़े दिखाया जाता है ना, किसमें, आपके मैप में, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप में, उसमें आप गुजरात तट पर जाके देखिए, सूरत के बगल में एक हाजिरा नामक स्थान है। तो मुंबई हाई या खंबा की खाड़ी से जो पेट्रोलियम गैस का उत्पादन होता है, तो सूरत के पास हाजिरा से एक पाइपलाइन बिछाई गई है, वो पाइपलाइन गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश के विजयपुर तक आती है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है, यानी सूरत के पास हाजिरा से एक पाइपलाइन शुरू होती है मध्य प्रदेश के विजयपुर और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है, इतनी दूरी तक
है ना। ये देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है जो पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का परिवहन उत्तर प्रदेश तक करती है। हो गया, ये हो गया प्राकृतिक गैस। इसके बाद हम ऊर्जा प्रवेश करेंगे, ऊर्जा अध्याय में। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाला है, तैयार रहिए। आप लोग सभी विषयों के लिए अलग अलग कॉपियां बना लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी। आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ना अच्छी बात है। सभी विषयों के लिए जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं अलग अलग कॉपी बनाइए, और जिस तरह मैं बोलता हूं उसी भाषा में लिखते जाइए, सवाल हल करने आसान हो जाएंगे। नमस्कार।